हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और आज है महाशिवरात्रि और मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं सोचा चलो आज से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद चलिए मंदिर में ही मिलते हैं। अरे मम्मी पूजा कर रही है मैं कहूँ किवाड़ किन्ने खोली और मम्मी पूजा कर रही नीचे किवाड़ बंद कर देना मम्मी, मैं तो ताला भरने जा रही थी, पता है। अच्छा हुआ तुम आवाज दे दी तुमने, मैंने कहा ला ताला भर दूँ, मैं जा रही थी मंदिर। चलो ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं रास्ते में। जहाँ तो लालू तो जी खड़ा है, कहाँ है कहाँ लाइन लगी थी? आए वो कह रही है हम कहाँ पे आए हैं, मंदिर में आए हुए हैं। देखो मंदिर का मेन गेट लाइन खत्म हो गई है, जेंट्स वाली इसलिए यहीं लग गई है।
ये मंदिर का मेन गेट है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर। मिली सुबह? सुबह मिली? दर्शन कर गए और तो हम आ गए घर पे अभी और काफ़ी देर हो गई, अभी तो नहीं काफ़ी देर हो गई आए हुए हमें, आधा पौन घंटा हो गया है। और अभी यहाँ पे दूध भी आ गया तो मैं दूध बॉयल करने लगी। यहाँ पे बच्चों को दूध दिया था तो बच्चे दूध पी नहीं रहे हैं, दूध को कह रहे हैं कि थोड़ा सा जला के उसको रबड़ी बना रहे हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ। ये देखिए मलाई आने लगी इसमें, तो इसमें थोड़ी चीनी डाल दी है और अच्छे से खोल खोल के ये रबड़ी बन जाएगा। और मैं मना कर रही तब भी वो बोली नहीं मॉम मुझे बनाना है, बहुत दिनों से बच्चों को दूध भी नहीं दिया था, तो मैंने कहा चलो बना लेंगे खा लेंगे बच्चे। और आज का जो ब्लॉग है मंदिर का, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। मंदिर गए थे हम लोग और इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो तो मेरी नंद हैं जो लखनऊ में रहती हैं, तो वो पुलिस में हैं, तो उन्हीं की वजह से थोड़ा हम लोग को निकाल दिया, मतलब कि मतलब आगे कर दिया, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना हम लोग लाइन में लगे होते तो कम से कम 12 बजे के निकले, शाम को 6-7 बज जाते, इतनी लंबी लाइनें थी बाहर तक, मंदिर से बाहर तक। तो वो तो एक हो गए दर्शन और जल्दी घर आ गए। तो चलिए ब्लॉग का आज का जो है यहीं पे एंड कर देते हैं, छोटा सा ब्लॉग है, फुल वॉच करिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा कैसा बिल्कुल अपने पे ध्यान भी नहीं दे पा रही, 2 दिन से मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, दवाई खा रही थी और मैंने दवाई फिर खाई नहीं, कल खाई, शाम को खाई थी व्रत खोलने के बाद, और आज भी व्रत हो गया। तो अब भी व्रत खोलने के बाद ही दवा खाऊंगी, अभी तो नहीं खाऊंगी। तो हस्बैंड भी चिल्ला रहे, कह रहे चुपचाप दवा खा ले, मैंने कहा अभी नहीं खाऊंगी दवा, जब व्रत है, हर बार शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, इस बार नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा रख ले रही हूँ, अभी थोड़ा ठीक रख रहा है, एक खुराक खा ली मैंने ना, तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन उससे परसों वाले दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। चलिए फिर मैंने कहा चलो आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ अपना, और बस थोड़ा बहुत जैसा होगा वैसा शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।